आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, फिर आ रही है आंधी बारिश 18 अप्रैल तक इन इलाकों में वज्रपात। जी हाँ, बड़ी खबर, रांची में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने लगी है। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 14 दिनों में रांची का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 15 व 16 अप्रैल को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 17 व 18 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 19 व 20 अप्रैल को आंशिक बादल के साथ गरज वाले बादल बन सकते हैं। खबर है, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, इस साल सामान्य रहेगा मानसून। दोस्तों, मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस साल देश में सामान्य मानसून रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने जानकारी देते हुए कहा कि मानसून के मौसम 2020 के दौरान मात्रात्मक रूप से मानसून वर्षा मॉडल त्रुटि के कारण +5 या -5 की त्रुटि के साथ इसकी लंबी अवधि के औसत का 100% होने की उम्मीद है। बता दें कि 4 महीने का दक्षिण पश्चिम मानसून हर साल जून से सितंबर 4 महीने हर साल केरल से शुरू होता है। देश में कोरोना के मामलों और लॉकडाउन के बीच इस पूर्वानुमान का बेहद महत्व माना जा रहा है। किसान तो हर साल अच्छे मानसून के इंतजार में रहते ही हैं। खबरों के अनुसार विभाग ने पूर्वानुमान जारी करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून खरीफ की फसल जैसे मोटे अनाज, धान, दलहन और तिलहन के जरूरी होते हैं। ऐसे में किसानों को अच्छी बारिश से राहत मिल सकती है। खबर है, अब 3 मई तक अपने घर में ही रहें, जाने लॉकडाउन 2 के नए नियम। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशभर में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान हमें अपने घर में ही सुरक्षित रहना है। बेवजह सड़क पर, मोहल्ले में या फिर सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना है। तमाम सुरक्षा एहतियात, मसलन हैंडवॉश, सैनिटाइजर, PPE किट अपनाने हैं जो हमें कोरोना को मात देने में मदद कर सके। लॉकडाउन 2 के नए नियम की बात करें तो कोरोना संक्रमण फैलने से बचने के लिए नियमों को और कड़ा किया गया है। पहले के मुकाबले अब कम ढील दिए जाएंगे। कुछ शहरों में जहां संक्रमण नहीं फैला है, वहां एक हफ्ते बाद 20 अप्रैल से आगे सरकारी कामकाज और उद्योग धंधे कुछ जरूरी शर्तों के साथ शुरू किए जा सकते हैं। जांच कराने से मना करने पर, संदिग्धों पर महामारी कानून के तहत मुकदमा और लॉकडाउन तोड़ने पर गैर जमानतीय धारा में पुलिस अब कड़ाई से केस दर्ज कर सकेगी। खबर है, रेलवे रद्द करेगा 39 लाख टिकट। काउंटर से टिकट बुक कराने वाले ऐसे पा सकते हैं रिफंड। जी हाँ, देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदर्भ में ऐलान करने के बाद भारतीय रेलवे ने भी 3 मई तक सभी पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है। इस वजह से रेलवे 15 अप्रैल से 3 मई तक की यात्राओं के लिए बुक 39 लाख टिकटों को रद्द करेगा। रेलवे ने 25 मार्च से लागू 21 दिन के लॉकडाउन को के खत्म होने की पूर्व निर्धारित तारीख 14 अप्रैल के बाद की तारीखों के लिए टिकटों की बुकिंग की अनुमति दी थी। ऐसे में यात्रियों ने 14 अप्रैल के बाद की तारीख के टिकट इस उम्मीद में बुक कराए थे कि ट्रेनें चलेंगी। हालांकि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है, तो रेलवे भी यात्रियों के टिकट कैंसिल करेगा। रेलवे ने कहा है कि 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों को फुल रिफंड मिलेगा। IRCTC ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि जिन यात्रियों ने उसकी वेबसाइट से टिकट बुक कराया है, उन्हें टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के उपक्रम ने कहा था कि इस अवधि के टिकट स्वतः कैंसिल हो जाएंगे। IRCTC ने कहा था कि टिकटों के ऑटोमेटिकली कैंसिल होने के बाद जिस अकाउंट या कार्ड से टिकट बुक किए गए थे, उस अकाउंट या कार्ड में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। खबर है, 5 में से 1 भारतीय को सता रहा नौकरी जाने का डर। 16% लोग सैलरी कटने की आशंका से चिंतित। 200 कोरोना वायरस महामारी के चलते इंडस्ट्रीज की हालत पस्त है। भारत की लगभग सभी कारोबारी गतिविधियां ठप हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियों पर संकट आ गया है। साथ ही कई लोगों को सैलरी में कटौती और अप्रेजल ना होने का डर सता रहा है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इस समय हर 5 में से 1 भारतीय के मन में नौकरी जाने का डर बना हुआ है। इंटरनेट आधारित बाजार अनुसंधान और डेटा एनालिटिक्स फर्म यूजीओवी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए अधिकतर लोगों में नौकरी जाने का
का डर बना हुआ है। UGOV द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 20% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें नौकरी जाने का डर है, 16% ऐसे लोग हैं जिन्हें सैलरी में कटौती को लेकर डर है, वहीं 8% भारतीयों को बोनस और इंक्रीमेंट नहीं होने का डर सता रहा है। बता दें कि कई रिपोर्ट्स पहले ही कह चुकी हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में लाखों नौकरियाँ दांव पर हैं।